हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसके न्यू मैजिक वेपन मास्टर बनने पे वहाँ जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है वो क्वेश्चनिंग करता है, जिस पे यहाँ ली सभी के सामने ही उस फिफ्थ लेवल के ड्रैगन कोर का यूज करके एक थंडर ड्रैगन शॉट का न्यू मैजिकल वेपन सबके सामने ही रिफाइन करके दिखा देता है। लेकिन यहाँ ली को उस पर्पल ड्रैगन के सोल को सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसमें लॉर्ड ऑफ रिंग यहाँ ली की मदद करता है। अब ये देखती है कि यहाँ ली ने सक्सेसफुली वो वेपन रिफाइन कर लिया है, सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ सरप्राइज वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है, जिसको अब पता चल जाता है कि ली अब एक रियल मैजिशियन बन चुका है। वहीं जो उसकी गर्लफ्रेंड लूली होती है वो चिल्लाते हुए सबके सामने कह रही होती है कि हमारे इस एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट मैजिक वेपन मास्टर बनने वाले को एक टाइटल तो डिजर्व होना ही चाहिए। यहाँ पे डीन ये डिक्लेयर करते हैं कि अभी अभी जो तुमने ये पर्पल ड्रैगन शॉट को डिफाइन किया है एज अ रिवॉर्ड, ये तुम्हारा हुआ। अब आगे ट्यूटर ताओ यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम को कह रहे होते हैं कि अब तुमने जब अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है तो क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। लेकिन यहाँ जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है सचमुच में उसमें जलन का कीड़ा इतना ज्यादा भरा होता है कि वो यहाँ सबके सामने कहता है कि ये मैजिक वेपन तो इसने रिफाइन कर दिया, लेकिन मैं इस मैजिक वेपन की पावर को चेक करना चाहता हूँ। इस पे ल्यूली उसे कहती है कि अब ट्राई करने को रही क्या गया है जब तुमने खुद देखा है उस पर्पल थंडर ड्रैगन को बाहर निकलते हुए। अब सभी स्टूडेंट ये सुनके हुए आपस में यही खुसुर-खुसुर करने लगते हैं कि अब ये तो हद ही हो गई इस लॉर्ड ऑफ फ्लेम की। जिसमें यहाँ पर ली उससे कहता है कि अगर तुम इस मैजिक वेपन को टेस्ट ही करना चाहते हो तो ट्यूटर को परेशान क्यों कर रहे हो उसमें, क्योंकि ये मैंने वेपन बनाया ही है किसी और को देने के लिए। अब यहाँ ली सबके सामने ये अनाउंस करता है कि ये शॉट मैंने और किसी के लिए नहीं बल्कि ल्यूली के लिए बनाया है, क्योंकि ये उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब यहाँ ली उसे शॉट देते हुए पूछता है क्या तुम इसके पावर को ट्राई करना चाहोगी। अब ये देख के जो शिमी होती है वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ली को पसंद करती थी। यहाँ वो ये डिसाइड कर लेती है कि ली को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो मुझे ना चूज करने के बदले में बहुत पछताएगा। आगे ल्यूली जैसी उस वेपन को ट्राई करती हम देखते हैं कि उसका ड्रैगन सोल बाहर आ जाता है। अब ये देख के सभी अमेज रह जाते हैं, क्योंकि ये जो ड्रैगन होता है वो फिफ्थ लेवल का मॉन्स्टर होता है, लेकिन ल्यूली जो होती है वो अपने कल्टीवेशन के फोर्थ लेवल पे होती है, और ये जो फिफ्थ लेवल का मैजिकल वेपन था वो ल्यूली के पावर से काफी अच्छा कम्बाइन कर रहा था, जिसके कारण जो ल्यूली की मैजिकल पावर्स होती है वो कंपैरिजन में फिफ्थ लेवल की लग रही थी। यहाँ डीन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये जो मैजिकल वेपन है उनके डॉटर के लिए एक परफेक्ट मैच है। आगे यहाँ ट्यूटर ताओ ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ली की ये जो कास्टिंग मैजिक टूल की स्किल है वो एक्सट्रीमली हाई है, और इसी बात से साबित होता है कि जो टीचर मू लाव है अपने आर्टिफैक्ट पैवेलियन के लिए इन्होंने ली को चूज करके कुछ गलत नहीं किया। इस पे टीचर मोलाओ यहाँ कहते हैं कि एक बहुत ही लंबा रास्ता भी बाकी है जिसे ली को पूरा करना है। आगे यहाँ जो ट्यूटर ताओ होते हैं वो ये कहते हुए ली की तारीफ करते हैं कि अगर मैं बिना वेपन के ली के बनाए हुए इस वेपन से फाइट करूँ तो ये मैजिकल वेपन सिर्फ अपने 3 मूव से ही मुझे हरा सकता है। तभी वहाँ पे कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जिसके बारे में वहाँ पे किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अब लीलू यहाँ पे अपने प्यार का इजहार करते हुए ली को किस कर देती है। ये देखते हुए सारे लोग वहाँ पे रूटिंग करने लगते हैं कि अमेजिंग जोड़ी है इनकी। अब ये नजारा देखकर तो बाकी के टीचर्स एम्बेरस हो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे बॉस का तो काम बन गया, अब पता नहीं कि मुझे कब गर्लफ्रेंड मिलेगी। कि तभी वहाँ पे डीन कहते हैं कि ठीक है अब ये सब बंद करो। आगे वो ली को फॉरवर्ड बुलाते हैं ताकि वो अपना इंटाइटल रिसीव कर सके। अब यहाँ ली को सम्मानित किया जाता है और उनके जो बची कुची सेरेमनी थी उसे पूरा किया जाता है। यहाँ पे डीन ली को एक बैच के साथ साथ एक ब्लैक रोप भी देते हैं। आगे वहाँ ट्यूटर ताओ ये अनाउंसमेंट करते हैं कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम और उसके साथ जो उसका साथी ब्लेजिंग सन है, इन दोनों को ही एकेडमी की अथॉरिटी को डिनाई करने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, और ये पनिशमेंट ये होती है कि 3 दिनों के लिए इन दोनों को कन्फाइनमेंट में रहना होगा और बिना एकेडमी के इंस्ट्रक्शन के ये वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब आगे यहाँ पे इन लोगों को एक और सूचना दी जाती है, जो कि ये होता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो 3 ईयर कॉम्पिटिशन आने वाला है, जिसके लिए सभी स्टूडेंट को जीत तोड़ मेहनत करनी होगी। अब इसके साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है और आगे हम देखते हैं कि सारे के सारे एकेडमी के एल्डर्स मीटिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ वे लोग उसी 3 ईयर कॉम्पिटिशन के बारे में बातें करते हैं। और इनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि हर 3 साल में एक बार कंपटीशन कराया जाता है, जिसमें हर एक एकेडमी से 5-5 स्टूडेंट चूज किए जाते हैं, और फिर वो मैजिकल एकेडमी आपस में कम्पीट करते हैं पोजीशन 1 की रैंक लाने के लिए।
यहाँ डीन सभी को बताते हैं कि उन्होंने 5 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को चूज कर लिया है जो कि हमारे चिंगलो एकेडमी के लिए दूसरे कॉलेजेस से कम्पीट करेंगे और इस कॉम्पिटिशन में हमें किसी भी हाल में अंडर 4 की रैंकिंग में आना ही है और अगर हम इस रैंकिंग के अंडर नहीं आते तो हमारे इस कॉलेज को सेकेंड और इवन थर्ड ग्रेड का कॉलेज डिक्लेयर कर दिया जाएगा जो कि हमें ये नहीं होने देना है और किसी भी तरह से अपनी इस एकेडमी के ग्लोरी को वापस लाना है। जिस पे एक एल्डर यहाँ पे बताते हैं कि जब से हमारे चिंगलो एकेडमी का वो मैजिकल आउटफिट लॉस्ट हुआ है तभी से हमारी पावर घटती जा रही है और हमारी ये एकेडमी डिक्लाइन करने की पोजीशन पे आ गया है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उस आउटफिट के लॉस्ट होते ही उनके यहाँ जो मैजिकल स्क्रॉल था जो कि मैजिक बुक पैवेलियन में रखा जाता था उसे भी किसी ने चुरा लिया था। तभी से हमारी रिपोर्टेशन खराब हो गई और कई सालों तक लगातार दूसरे एकेडमी से हारने पे हमारे पास जो हमारे कीमती ट्रेजर्स थे वो भी हमें दूसरे कॉलेजेस के हवाले करने पड़े कि तभी एक दूसरी टीचर वहाँ पे कहते हैं कि इन 3 सालों में दूसरे एकेडमी ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है तो इस कॉम्पिटिशन में हमारे लिए टॉप 3 की रैंकिंग में आ पाना काफी डिफिकल्ट होगा। जिसपे डीन उनसे कहते हैं कि अभी इन सब बातों के बारे में बात करना यूजलेस है क्योंकि हमने भी 3 सालों में अपने स्टूडेंट को काफी अच्छे से तैयार किया है। आगे वो उन 5 स्टूडेंट्स का नाम बताते हैं जिनमें सबसे पहले उन्हीं की बेटी ल्यूली होती है, दूसरा वो युवान होता है जो कि मार्शल एकेडमी ब्रांच से होता है और तीसरे और चौथे नंबर पर लॉर्ड ऑफ फ्लेम और शेमी होते हैं जो कि हाल ही में अपने 4th लेवल पे इंक्रीज कर चुके हैं और 5वें नंबर पे वो ली का नाम लेते हैं जिसने रिसेंट ही अपने 4th लेवल पे तो इंक्रीज किया है। साथ ही साथ वो उनके लिए हुक्म का इक्का भी है क्योंकि उसने मैजिकल वेपन्स के टूल को कास्ट करने का स्किल भी सीख लिया है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो कि अपनी सवारी पे कहीं तेजी से जा रहा होता है। अब यहाँ पे वो एक सीक्रेट प्लेस पे आता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। आगे वो उस डियर गॉड से मिले वो उस 5 कलर स्टोन को निकालता है और उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। अब ये जो स्टोन होती है वो काफी रेयर होती है और ली ने अब तक किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। आगे हम देखते हैं कि वो जो यहाँ ली होता है वो उसे 3rd ईयर कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि यहाँ इसने भी ठान लिया था कि वो अपने एकेडमी की ग्लोरी को वापस लेकर के आएगा। आगे यहाँ ली की कल्टीवेशन पूरी होती है और हम देखते हैं कि उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी का ऑरा इंक्रीज हो जाती है। अब उसके इसी ऑरा के साथ ही गाइज हमारा ये एपिसोड यही होता है फिनिश। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हमें उस 3rd ईयर कॉम्पिटिशन की फाइट दिखाई जाएगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होगा। और हाँ, जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक इट। Till then, take care, stay healthy, bye.